ही हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन निशास पैशन। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ हरियाली चिकन की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी होता है। बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको दिखाऊंगी, ताकि आप ये घर पे बहुत ही आसानी से बना सको। रोटी पराठे के साथ ये बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मैं इधर एक मुट्ठी धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता ले लिया हूँ, और इसके साथ ही लिया हूँ 3 ग्रीन चिली। अभी एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर मैं इन सारे चीज को डाल दूंगी और इसका एक पेस्ट बना लूंगी। तो मैं इधर धनिया पत्ता थोड़ा सा ज्यादा यूज किया हूँ, पुदीना पत्ता थोड़ा सा कम लिया हूँ। आप चाहो तो दोनों ही सेम क्वांटिटी में यूज कर सकते हो। तो अभी इन सारी चीज को मैं डाल दिया हूँ। इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच दही का। अभी इन सारी चीज का एक पेस्ट बना लूंगी, मैं इसमें पानी यूज नहीं करूंगी। तो मैं इधर 500 ग्राम चिकन ले लिया हूँ। इसके अंदर डाल दूंगी 1 होल लेमन जूस, फिर इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून जीरा एंड धनिया पाउडर मिक्स करके यूज किया हूँ, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टीस्पून जैसा गरम मसाला पाउडर, फिर इसके अंदर जाएगा मैं जो धनिया पुदीना और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाई थी, ये पेस्ट 4 से 5 टेबलस्पून मैं डाल दूंगी, और बाकी का पेस्ट मैं कुकिंग के टाइम यूज करूंगी। फिर इसके अंदर जाएगा 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी इन सारे चीज को हाथ से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और मिक्स करने के बाद इसे ढक के 1 घंटा के लिए छोड़ दूंगी रेस्ट होने के लिए। तो फ्लेम ऑन करके मैं कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ। इसके अंदर डाल दिया हूँ 2 टेबलस्पून जैसा रिफाइंड ऑयल, और इसके साथ ही डाल दूंगी 1 टीस्पून जैसा घी फ्लेवर के लिए। अभी घी को हमें अच्छे से मेल्ट कर लेना है। तो घी मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 तेज पत्ता, 3 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंग। अभी इन सारे चीज को कुछ सेकंड्स के लिए हमें थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। जब इससे खुशबू निकलना स्टार्ट हो जाए, तब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 बिग साइज ऑनियन चॉप्ड, और ऑनियन को डालने के बाद इसे हमें ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई कर लेना है। तो ऑनियंस के अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, ताकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाए, और इसके साथ ही डाल दूंगी जस्ट पिंच ऑफ शुगर यानी शक्कर। अभी इन सारे चीज को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ऑनियन को फ्राई कर लूंगी। तो अभी आप देख सकते हो ऑनियंस का कलर चेंज होके ट्रांसलूसेंट हो गया है। इस स्टेज में मैं एक एक करके चिकन का पीस ऐड कर दूंगी। तो मैं चिकन का पीस ऐड कर दिया हूँ, और इसके साथ जो मसाला है वो भी डाल दूंगी। और अभी चिकन को हाई फ्लेम में 4 से 5 मिनट के लिए हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी और 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूंगी। तो अभी 5 मिनट हो चुका है और चिकन को मैं अच्छे से फ्राई कर लिया हूँ, आप देख सकते हो। इस स्टेज में मैं डाल दूंगी ग्रीन पेस्ट जो मैं बना के रखी थी। थोड़ा सा मैं चिकन को मैरिनेट करने के टाइम यूज की थी, और बाकी जो पेस्ट था वो मैं पूरा अभी डाल दूंगी, और इसे चिकन के साथ अच्छे से मिक्स करके 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लूंगी। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए भून लूंगी। तो 3 मिनट तक मैं चिकन को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया हूँ।
अभी मैं इसके अंदर मिक्सर ग्राइंडर जार धो के एक कप जैसा गर्म पानी डाल दूंगी। आप ग्रेवी का कंसिस्टेंसी आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपको अगर थोड़ा ज्यादा ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा ज्यादा पानी ऐड कर सकते हो, लेकिन इस रेसिपी में ज्यादा ग्रेवी नहीं रहता। फिर मैं इसके अंदर डाल दूंगी थोड़ा सा सॉल्ट। तो सॉल्ट थोड़ा सा ध्यान से ऐड करना, क्योंकि चिकन को मैरिनेट करने के टाइम भी मैं सॉल्ट ऐड की थी। अभी इसको ढक के 20 मिनट के लिए लो फ्लेम में कुक करना है। तो 20 मिनट हो जाने के बाद मैं लीड ओपन कर दूंगी और आप देख सकते हो मेरा टेम्पटिंग सा हरियाली चिकन बन के एकदम तैयार है। चिकन का पीस भी प्रॉपर कुक हो चुका है और ग्रेवी का कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। ये थोड़ा सा ड्राई होता है तो ही खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि ये रोटी पराठे के साथ बहुत बढ़िया लगता है। आप गर्मा गर्म चावल के साथ भी इसे ले सकते हो। और इस स्टेज में आप चाहो तो सॉल्ट भी चेक कर सकते हो, अगर सॉल्ट थोड़ा सा कम लगता है तो आप सॉल्ट ऐड कर लेना। अभी मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे प्लेट आउट करके आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली आप देख सकते हो हरियाली चिकन मेरा बनके एकदम तैयार है। आप मेरे प्रोसीड्योर फॉलो करके एक बार बनाना, आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। और इस रेसिपी को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं जरूर रिप्लाई दे दूंगी। तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अदरवाइज यू कैन मिस माय न्यू वीडियो अपडेट्स। कमेंट्स भी करना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स के इंतजार में रहती हूँ। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर एक बार चेक कर लेना। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नए रेसिपी लेके। तब तक के लिए बाय।